एएमयू में कल होली खेलने पर हुए विवाद में छात्रों को पीटने की एफआईआर के विरोध में आज बाबे सैयद गेट पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। प्रॉक्टर के अनुसार ना तो होली खेलने की परमिशन थी और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन थी, लेकिन एक छात्र नेता के अनुसार होली 23 तारीख की है। समय से पहले होली खेलने से यूनिवर्सिटी में गंदगी हो जाती, इसलिए खेलने वाले छात्रों को रोका गया। हमने जुम्मे की नमाज सड़क पर छात्रों की खैरियत के लिए पढ़ी है। प्रॉक्टर ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने को गलत ठहराया। लेकिन जो एक राजनीतिक तरीके से होली मनाना चाह रहे थे उसको रोकने के लिए, जो 23 की होली है वो 21 में मनाना चाह रहे थे, ये तो सरासर गलत है। आप सबको भी समझ में आ रहा है, समझ नहीं समझ रहे, और इसमें सहयोग नहीं होगा। उसने ना तो परमिशन प्रिंसिपल से ली और ना ही प्रॉक्टर से ली, ना रजिस्टर से ली। आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई अथॉरिटी हैं जिससे आप परमिशन ले सकते थे। और आपको बता दूं एक चीज़ क्लियर तौर पे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी, मतलब चाहे वो मजहबी त्यौहार हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्टिवल हो, तो उसके लिए परमिशन होती है और एक बाकायदा लेटर जाता है और लेटर के तहत उसे परमिशन ग्रांटेड की जाती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी गुंडागर्दी जाहिर करने के लिए होली मनाना चाहिए, वो भी किसी के इशारों पर। आप इस चीज को समझें, ये पॉलिटिकल होली थी। अभी भाजपा नेता की एक की बाइट आई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपने बाबे सैयद गेट पर नमाज पढ़ी है, क्या उसकी परमिशन ली थी? है? उनका कहना है नहीं, परमिशन नहीं, ये हमारे एहतजाज है, ये परमिशन का नहीं है, ये एहतजाज है। बच्चे को ऊपर जब ना मतलब ना इंसाफी होती है तो बच्चे अपनी आह लेकर बैठते हैं यहाँ, अपनी आस लेकर बैठते हैं यहाँ। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन को पता है ये स्ट्रगल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बच्चे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम बाबा से सर्किल के बाहर हम बाबा से बाहर जाएंगे तो पुलिस प्रशासन को ये चीज़ गवारा नहीं गुजरती। पुलिस प्रशासन अपनी डायरी लेकर बैठ जाता है धाराएँ तय करने के लिए हमारे ऊपर कि कौन कौन सी धाराएँ लगाएँ। हम बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी तालिबे इल्म है वो अपनी बात कहने का सलीका रखता है। उसी सलीके के साथ हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपनी बात का ऐलान किया। अगर आप सर कैंपस गेट पे बाबे सैयद पे जो रोड पे नमाज पढ़ी गई उसको लेके भी कुछ लोगों के द्वारा पोस्ट आ रही है, आपत्ति की जा रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, उसको देखा जाएगा। अगर वो गलत होगा तो जाहिर सी बात है जो चीज़ गलत है उसको कोई सही नहीं कह सकता है और जो सही होगा उसको कोई गलत नहीं कह सकता है। वो सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट पे बेस्ड होती हैं। और मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का अपना कानून बहुत मजबूत है और हर आदमी कानून के पर यकीन रखता है, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ गलत है उसको कोई सही ठहरा नहीं सकता और जो चीज़ सही है उसको कोई गलत बता नहीं सकता। ठीक।